आज का टॉपिक है गैसों का द्रव्यकरण, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज। गैसों का द्रव्यकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। दो तरीके हैं गैसों का द्रव्यकरण करने के, गैसों को द्रव में बदलने के लिए। ये दो तरीके हैं। पहला है दाब बढ़ाकर। यदि किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप से कम है तो इसे दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। दाब बढ़ाकर गैस को तभी द्रवित किया जा सकेगा जब उसका ताप क्रांतिक ताप से कम है, और क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर TC ये बराबर होता है 8A/27 RB। तो यदि गैस का ताप इस ताप से कम है तो हम इसे दाब बढ़ाकर द्रवित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ताप कम करके। यदि गैस का ताप कम करते जाएं तो यह द्रवित हो सकती है। यदि किसी गैस के ताप में लगातार कमी होती जाए तो यह द्रवित हो जाती है। गैस का ताप जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा कम किया जा सकता है, जूल थॉमसन प्रभाव या जूल केल्विन प्रभाव के द्वारा हम गैस के ताप को कम कर सकते हैं। और यदि ताप में लगातार कमी होती जाए तो यह द्रव में बदल सकती है। जूल थॉमसन प्रभाव में गैस को नियत उच्च दाब के क्षेत्र से नियत निम्न दाब के क्षेत्र में संरंध्र डॉट से होकर प्रसारित किया जाता है। जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा गैस का ताप यदि हमें कम करना है तो हम गैस को एक पोरस प्लग से संरंध्र डॉट से होकर गुजारते हैं, प्रसारित करते हैं अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र में। और यदि गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से कम है तो इस गैस का ताप कम हो जाएगा इस प्रक्रम के द्वारा। यदि गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप TI लिखें, TC नहीं है, TI इन्वर्जन टेम्परेचर व्युत्क्रमण ताप, यह है 2A/RB। यदि गैस का ताप इस व्युत्क्रमण ताप TI से कम है, 2A/RB से कम है, तो जूल थॉमसन प्रभाव में यह गैस ठंडी होगी, गैस के ताप में कमी होगी। तो इस प्रक्रम में गैस के ताप में कमी हो जाती है। इस प्रक्रम को बार बार दोहरा कर ताप को इतना कम किया जा सकता है कि गैस द्रवित हो जाए। गैस के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा भी गैस के ताप में कमी हो जाती है। पुनर्निवेशी शीतलन, रीजनरेटिव कूलिंग। यदि जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा गैस को ठंडा किया जाए एवं इस गैस का उपयोग शेष गैस का ताप कम करने में किया जाए तो जूल थॉमसन प्रभाव में गैस के ताप में अधिक कमी होगी। इस प्रक्रम को बार बार दोहराने से गैस का ताप बहुत कम हो जाता है, वह उसका द्रवण हो जाता है। इसका प्रक्रम पुनर्निवेशी शीतलन कहलाता है। इस प्रकार का प्रक्रम पुनर्निवेशी शीतलन कहलाएगा। पुनर्निवेशी शीतलन, रीजनरेटिव कूलिंग, इसमें हम गैस को जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा ठंडा करते हैं एवं इस ठंडी गैस का उपयोग पुनः उस गैस का ताप और कम करने में करते हैं। इस ठंडी गैस की सहायता से जो शुरू में जो गैस ली थी जिसका ताप थोड़ा अधिक था उसका ताप और कम किया जा सकता है। और यदि गैस का ताप कम हो जाएगा तो जूल थॉमसन प्रभाव में गैस के ताप में और ज़्यादा कमी होगी। जूल थॉमसन प्रभाव में गैस के ताप में जो कमी है
यह प्रारंभिक ताप पर निर्भर करती है। प्रारंभिक ताप जितना कम होगा उतना ही गैस के ताप में कमी भी अधिक होगी। तो पुनर्निवेशी शीतलन में जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा गैस को ठंडा किया जाता है एवं इस गैस का उपयोग शेष गैस का ताप कम करने में किया जाता है। अब शेष गैस का ताप यदि कम हो गया है तो जब उसका जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा शीतलन होगा तो उसके ताप में और अधिक कमी होगी। ताप में अधिक कमी हो गई है, गैस और ठंडी हो गई है, तो इसका उपयोग पुनः शेष बची हुई गैस के ताप को कम करने में किया जाएगा और यह प्रक्रम बार बार दोहराता जाएगा और गैस के ताप में लगातार कमी होती जाएगी और अंत में गैस द्रवित हो जाएगी। इस प्रकार का प्रक्रम पुनर्निवेशी शीतलन कहलाएगा। पुनर्निवेशी शीतलन का सिद्धांत चित्र में प्रदर्शित है। गैस को संपीडक सी के द्वारा उच्च दाब तक संपीड़ित किया जाता है, 150 वायुमंडल दाब। पुनर्निवेशी शीतलन का सिद्धांत इस चित्र में प्रदर्शित है। सी कंप्रेसर है, संपीड़क है, जिससे गैस को संपीड़ित किया जाता है, इसका दाब बढ़ाया जाता है 150 वायुमंडलीय दाब तक। तो सी कंप्रेसर संपीड़क के द्वारा गैस का दाब बढ़ाया जाता है 150 वायुमंडलीय दाब एवं इसके बाद यह गैस इस सर्पिलाकार नली से होकर गुजरती है जिसके चारों ओर ये जे जैकेट लगा है। गैस को संपीड़क सी के द्वारा उच्च दाब तक संपीड़ित किया जाता है 150 वायुमंडल दाब तक। इस संपीड़ित गैस को नली ए बी से गुजारा जाता है जो जैकेट जे द्वारा घिरी हुई है। जैकेट जे से ठंडा पानी लगातार प्रवाहित किया जाता है जिससे गैस का ताप कम हो जाता है। नली ए बी ये वो नली है जो जैकेट जे के अंदर है सर्पिलाकार रूप में। ए बी लिखा हुआ नहीं है तो लिख लें इसमें ए बी नली है, सर्पिलाकार नली। तो संपीड़क सी से होते हुए गैस नली ए बी से होकर प्रवाहित होती है जो सर्पिलाकार नली है और जिसके बाहर चारों तरफ जैकेट जे लगा है। इस जैकेट जे से होकर ठंडा पानी प्रवाहित होता रहता है लगातार जिससे इस गैस का ताप कम हो जाएगा। अब इस गैस को ऊष्मा विनिमयक हीट एक्सचेंजर ई से होकर जाने वाली नली से गुजारा जाता है। जैकेट जे के अंदर ये जो सर्पिलाकार नली ए बी है इसमें गैस का ताप कम हो जाएगा क्योंकि इसके चारों ओर से होकर ठंडा पानी गुजर रहा है। अब इस गैस को ई हीट एक्सचेंजर है, ऊष्मा विनिमयक है ई, इसके अंदर से एक नली जा रही है। इस नली से होते हुए अब यह गैस जाएगी। इस नली में आखिर में यह जो पी लिखा है यह पोरस प्लग है, सरंध्र डाट है। तो इस सरंध्र डाट से पोरस प्लग से होकर इस गैस को प्रसारित करते हैं तो जूल थॉमसन प्रभाव के कारण या जूल केल्विन प्रभाव के कारण गैस का ताप कम हो जाएगा। अब यह कम ताप की गैस पुनः ई ऊष्मा विनिमयक में प्रवेश करती है, हीट एक्सचेंजर
ऊष्मा विनिमयक ई में प्रवेश करेगी, ठंडी गैस जो जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा ठंडी हो गई है पोरस प्लग सरद्र डाट पी से गुजरने के बाद। ऊष्मा विनिमयक ई में यह गैस जो अंदर नली से और जो गैस आ रही है उसको और ठंडा कर देती है। अब इस नली में आने वाली गैस का ताप और कम हो गया है तो जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा अब इसके ताप में कमी और अधिक होगी, तो सरद्र डाट पोरस प्लग पी से निकलने के बाद गैस का ताप और कम हो जाएगा। यह और कम ताप वाली गैस पुनः है ई हीट एक्सचेंजर ऊष्मा विनिमयक में प्रवेश करेगी एवं इसके अंदर नली में आने वाली गैस को फिर से और अधिक ठंडा कर देगी। यह प्रक्रम बार बार दोहराता जाएगा और गैस के ताप में लगातार कमी होती चली जाएगी और अंत में यह गैस द्रवित हो जाती है जिसे नीचे रखे डीवार फ्लास्क में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार यह जो गैस द्रवित की गई यह रीजनरेटिव कूलिंग पुनर्निवेशी शीतलन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। बार बार इस गैस को ठंडा किया जा रहा है और ठंडी की हुई गैस का उपयोग शेष बची गैस को ठंडा करने में किया जा रहा है। अब हम देखेंगे हीलियम का ध्रुवीकरण किस तरह से किया जाता है, लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम। हीलियम के ध्रुवीकरण की विधि इस चित्र में प्रदर्शित है। यह चित्र है जिसमें हीलियम के ध्रुवीकरण की विधि दर्शाई गई है। सबसे ऊपर से देखें HE हीलियम गैस नली ए बी में प्रवेश कर रही है। बी बिंदु पर आकर यह दो भागों में बंट जाती है। इस गैस का कुछ भाग S1 S2 नलियों से होता हुआ गुजरता है और कुछ भाग S3 S4 नलियों से होता हुआ गुजरता है। S1 S2 नलियों से होकर गैस का जो भाग गुजर रहा है यह भाग द्रव हाइड्रोजन भरी हुई एक नली के अंदर है और यह द्रव हाइड्रोजन S1 S2 नली से होकर गुजरने वाली गैस के ताप को कम कर देती है। हीलियम के ध्रुवीकरण की विधि इस चित्र में प्रदर्शित है। संपीड़क कंप्रेसर C के द्वारा हीलियम गैस को 40 वायुमंडल दाब तक संपीड़ित किया जाता है। सी कंप्रेसर है, इसकी सहायता से हीलियम गैस को 40 वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित करते हैं। इसके बाद यह ए बी नली से होते हुए आगे बढ़ती है। बी बिंदु पर यह दो भागों में बट गई है। एक भाग S1 S2 से होकर जा रहा है जो द्रव हाइड्रोजन के कारण ठंडा हो जाता है। दूसरा भाग S3 S4 नलियों से होकर गुजर रहा है और अंत में यह पोरस प्लग पी पोरस प्लग है, सरद्र डाट है। इस सरद्र डाट से जैसे ही यह गैस बाहर निकलती है प्रसारित होती है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। अब यह जो ठंडी गैस है कम ताप वाली गैस है यह S3 और S4 नलियों में आने वाली गैस को और अधिक ठंडा कर देती है। साथ ही यह वापस सी कंप्रेसर संपीड़क तक जा रही है, फिर इसको संपीड़ित करते हैं 40 वायुमंडल दाब तक। फिर यह ए बी नली से होते हुए उसी तरह से प्रसारित होती है और यह प्रक्रम बार बार दोहराया जाता है क्योंकि S3 S4 में जो आने वाली गैस है यह लगातार ठंडी होती जा रही है। सरद्र डाट पी से निकलने के बाद जो ठंडी गैस उत्पन्न हुई है
यह H3S4 में आने वाली गैस को और अधिक ठंडा कर रही है, और जितना कम ताप होगा गैस का प्रारंभिक ताप, जूल थॉमसन प्रभाव में गैस उतनी ही अधिक ठंडी होती है। तो गैस लगातार और अधिक ठंडी होती चली जा रही है, इसका ताप में लगातार कमी होती जाती जा रही है, और अंत में यह द्रवित हो जाती है, और इस तरह से यह द्रव हीलियम नीचे इस पात्र में इकट्ठी कर ली जाती है। हीलियम गैस का व्युत्क्रमण ताप -240 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा यदि इसको ठंडा किया जाना है तो इसका प्रारंभिक ताप -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना आवश्यक है। सामान्य ताप पर यह जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा ठंडी नहीं होती है। तो शुरू में इसका ताप -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना ज़रूरी है, इसीलिए इसको हम द्रव हाइड्रोजन काम में लाते हैं, जिससे कि S1 S2 से होकर आने वाली जो गैस है इसका ताप कम होकर व्युत्क्रमण ताप TI 2A/RB है उससे कम हो, जिससे जूल थॉमसन प्रक्रम के द्वारा सरद्र डॉट P से निकलने के बाद यह गैस ठंडी हो सके। अब हम एक प्रश्न लेते हैं, किसी गैस के लिए वांडरवाल नियतांक ए और बी क्रमशः 0.245 वायुमंडल लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर है तथा बी 2.67 × 10⁻²⁺ लीटर पर मोल है। बताओ गैस को किस ताप पर रखकर जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा शीतलन उत्पन्न किया जा सकता है। आर गैस नियतांक का मान दिया है 8.3 जूल पर मोल डिग्री केल्विन। तो दिया है आर का मान 8.3 जूल पर मोल डिग्री केल्विन। ए और बी के मान, ए का मान दिया है 0.245 वायुमंडल लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वायुमंडल दाब को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। 0.245 तो है ही, अब वायुमंडल को हमने बदला न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, तो आएगा एक वायुमंडल दाब बराबर होगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम इस लीटर को भी बदलते हैं मीटर क्यूब में, लीटर आयतन है, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो एक लीटर बराबर है 10³ मीटर क्यूब। और इसका स्क्वायर और अपॉन मोल स्क्वायर, एक लीटर इसको करेक्ट कर लें, एक लीटर होगा 10³ मीटर क्यूब नहीं है, ये 10⁻³ मीटर क्यूब है, और फिर इसका स्क्वायर है तो ये 10⁻⁶ हो गया है, और यहाँ 10³ है तो कुल मिला के 10⁻³ हो गया, 10⁻³ यहाँ पर, और ये 10⁻³ नहीं है, 10⁻³ है और इसका स्क्वायर है, तो ये 10⁻⁶ है और ये 10⁻³ है, कुल मिला के 10⁻³ और हुआ, इसलिए ये 0.245 × 10⁻³ यहाँ भी करेक्ट कर लें, एक वायुमंडल दाब ये 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो एक वायुमंडल दाब को लिखें 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
और ये जो लीटर का मान लिखा है इसको लिखें 10^-3 m³, और इसका स्क्वायर है तो 10^-6, और यहाँ 10^5 है, तो कुल मिला के 10^-1 रहेगा, और ये 0.245 बदल जाएगा 0.0245 में, 10^-1 से मल्टीप्लाई होगा केवल। और अब यूनिट हो गई है न्यूटन मीटर 4 पर मोल स्क्वायर। इसी तरह से नियतांक बी का मान है 2.67 × 10^-2 लीटर पर बॉल। तो इसको भी हमने बदल दिया है 2.67 × 10^-2, और लीटर का मान रखा 10^-3 m³। तो यह हो गया 2.67 × 10^-5 m³ पर मोल। और अब हम देखेंगे कि व्युत्क्रमण ताप इन्वर्जन टेम्परेचर Ti जो है 2A/RB, ए आर और बी के मान रख दें, तो इसका मान आ रहा है 221.1, और ये डिग्री केल्विन होगा। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें तो -273 करना होगा, जिससे ये आ रहा है -51.9 °C। अतः गैस को व्युत्क्रमण ताप -51.9 °C से कम ताप पर यदि रखा जाए तो जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा शीतलन उत्पन्न किया जा सकेगा।